हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है एक ब्रांड न्यू और बहुत ही इंटरेस्टिंग सर वीडियो पर। आई नो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं मर गया क्या। अभी ऊपर वाले के कर्म से अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, बट मेरे साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा था हेल्थ इश्यू को लेकर और मेरा पीसी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा था। तो एग्जैक्टली क्या हुआ वो मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताने वाला हूं, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वीडियो को लास्ट तक देख लेना। रही बात इस वीडियो की, तो आज मैं आप सब लोग के लिए बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट लेके आया हूं, वो है मोबाइल फोन लेंस। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये लेंस, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मोबाइल लेंस में क्या ही होगा, बट मोबाइल लेंस में ये वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास है, मार्केट में सबसे बढ़िया लेंस है। ये है 2x टेलीफोटो लेंस, एपेक्सल की ओर से आता है। एपेक्सल के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल लेंसेस ये बनाते हैं। इनका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ऑसम होता है। जो लोग यूट्यूब में नए नए आए हैं या फोटोग्राफी करना चाहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हैं, बट नहीं चाहते DSLR पे पैसा इन्वेस्ट करना क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। मैंने भी खुद मोबाइल से यूज किया था, बट उस टाइम पे मेरे पास अगर ये लेंस होता ना तो अभी आपको मोबाइल के थ्रू ये वाला क्वालिटी देखने को मिल जाता। अभी जो आप देख रहे हो DSLR के थ्रू किट लेंस से शूट हो रहा है मेरा वीडियो, तो आप इस लेंस से इससे भी ज्यादा ब्लरी इफेक्ट पीछे फेस कैम वीडियोस पर, या आप अगर पास से शूट करते हो बीरोल वगैरह में, तो इससे भी ज्यादा ब्लर लेवल पा सकते हो। आपके पास अगर कोई भी मिड रेंज या फ्लैगशिप फोन है तो आप उसमें यूज करके, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। जो इंटरेस्टेड है इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और आप में से जो लोग सोच रहे होंगे कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ये रिव्यू यूनिट है, तो मैं आपको खुला बोल रहा हूँ ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये लेंस मेरा भी नहीं, ये लेंस मेरे फ्रेंड ने खरीदा था। उसका वीडियो क्वालिटी देख के मैंने बोला यार इसके बारे में तो आप लोगों को बताना ही होगा, मेरे पब्लिक को, मेरे सब्सक्राइबर को बताना ही होगा, क्योंकि ये जो लेंस काम कर देता है ना आपके फोन पर, मतलब चार लगा देते हैं। जो लोग यूट्यूब करना चाहते हो ना मोबाइल फोन को यूज करके, डेफिनेटली इस लेंस को एक बार चेकआउट कर लेना। चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम गवाए जल्दी से इस लेंस को अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को हमें मिलता है। सबसे पहले बात करें इस बॉक्स की, तो यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, फोन वगैरह, इसके इंस्टाग्राम हैंडल और प्रीमियम क्वालिटी HD लेंस वगैरह, और इसमें मॉडल वगैरह लिखा हुआ है स्मार्टफोन लेंस जो कि आता है एपेक्सल की ओर से, जो कि मैं आपको आगे सब कुछ दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अनबॉक्स करते हैं, लेकिन अनबॉक्स हम अपने स्टाइल में करते हैं चुटकी बजा के, ना इसको हम ऐसे अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स करने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। तो और एक बार रिफाइन करने के बाद आपको ये सारे कंपोनेंट्स बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मिलता है आपको यूजर मैनुअल, यहाँ पर आपको बहुत सारे लेंस एपेक्सल की ओर से दिया गया है, चाहे तो आप इनको चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर सुपर टेलीफोटो, सुपर वाइड एंगल वगैरह है, बट ये जो एपेक्सल इंडिया है ये वन ऑफ द बेस्ट है इन द गेम। मोबाइल लेंस के कैटेगरी में ये सबसे बेस्ट लेंस बनाते हैं, चाहे वो सुपर टेलीफोटो लेंस हो, चाहे वो मैक्रो लेंस हो, या चाहे मेरा फेवरेट 2x टेलीफोटो लेंस हो, जैसे कि देख सकते हो एपेक्सल 2x 60mm HD पोर्ट्रेट लेंस प्रो। यहाँ पर आप बहुत सारे फिल्टर वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये जो सिर्फ लेंस आता है नेकेड लेंस, उसको आप परचेस कर सकते हो। सो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो बॉक्स कंटेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक पाउच मिलता है, और मिलता है क्लीनिंग क्लॉथ जिसके थ्रू आप अपने लेंस को क्लीन कर सकते हो, और एक मिलता है माउंट जिसमें आप लेंस को माउंट करोगे, होल्डर या माउंट जो भी बोलो। इसका बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफी रगेड एंड काफी स्टडी लगा। और बात करें अगर लेंस की, तो लेंस काफी भारी है, लाइक आपका नॉर्मल कैमरा लेंस जो होता है उससे आधा ही इसका वेट है। जब आप इसको लगाओगे अपने फोन में तो पता चलेगा कि इतना भारी ये लेंस है। तो क्लीन करने के बाद आप इसको कुछ इस तरीके से लगा सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे कि आप देख सकते हो। लगाने के बाद आप अपने फोन के अकॉर्डिंग इसको सेट करके आपके फोन के कौन से लेंस में लगाना है आप उसको लगा सकते हो, बट मैं प्रीफर करूंगा आपके पास अगर 2x लेंस है तो उसमें लगाइए, जैसे कि iPhone 11 Pro वगैरह में होता है, या फिर आपका नॉर्मल जो लेंस होता है उसमें ही लगा दीजिए। और लगाते टाइम ध्यान रखिएगा कि ये प्रॉपर मिडिल या सेंटर में ही आए एकदम, ताकि कोई भी डिस्टॉर्शन देखने को ना मिले। और लगाने के बाद इसको आपको टाइट कर देना होता है, ताकि एकदम से ये लगा रहे और बहुत ही स्टडी हो जाए, और घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है बहुत टाइटली, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। बट फोन बहुत ही ज्यादा भारी हो जाता है लगाने के बाद, क्योंकि बहुत ही ऑसम बिल्ड क्वालिटी का ये लेंस है। तो अभी चलिए मैं आपको इसका कुछ फुटेजेस और फोटो सैंपल दिखाता हूँ। Thank you.
अभी चलिए मैं आपको इस लेंस के हैंडहेल्ड फुटेज दिखाता हूँ आईफोन 11 के साथ, और आप देखिएगा यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो कम्प्लीटली फोकस में है और बैकग्राउंड कितना ज्यादा ब्लर हो चुका है। आप ऐसा फुटेज किसी भी नॉर्मल स्मार्टफोन के कैमरा से अचीव नहीं कर सकते हो। या तो आपके फोन में लेंस लगा होना होगा, या तो आपका लेंस बहुत ही ज्यादा मतलब वाइड या फिर बड़ा होना होगा लाइक DSLR या कोई मिररलेस कैमरा। अभी आप ब्लरनेस देख सकते हो, हम अगर सब्जेक्ट को और ज्यादा क्लोज लाते हैं तो और भी ज्यादा हमें ब्लरनेस देखने को मिलता है। और ब्लरनेस ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल ब्लरनेस, आप जैसे कि देख सकते हो एजेस काफी शार्प है एंड पीछे का जो ब्लरनेस है वो काफी स्मूथ एंड काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें किसी ऐसे फोन की जैसे कि अभी हमारे पास है iPhone XS, इसमें हमें ऑलरेडी 2x लेंस बिल्ट इन देखने को मिल जाता है, तो उसके ऊपर हम अगर और एक 2x लेंस जैसे कि ये हमारा एपिक्सल लेंस लगा देते तो टोटल 4x यानी कि 120mm हो जाता है, जिसके बाद से आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलता है। देने के लिए हमने क्या किया है, कैमरा जो है मेरा फोन iPhone XS को और थोड़ा सा दूर रखा है ताकि और थोड़ा सा ब्लरनेस देखने को मिले, क्योंकि बैकग्राउंड से आप जितना आगे जा पाओगे उतना ही ज्यादा आपको ब्लरनेस देखने को मिलेगा। और वही डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, मेरा फोन मेरे से बहुत ज्यादा दूरी पर है। तो अभी आप देख रहे हो iPhone 11 का फुटेज विथ नॉर्मल लेंस, यहाँ पर कोई भी क्रॉप लेंस नहीं है। 1x जो लेंस आता है नॉर्मल फोकल लेंथ वाला, उसके साथ हमने यूज किया है ये टेलीफोटो 2x लेंस। तो आप ब्लरनेस पीछे देख सकते हो वहाँ पर लिखा कितना ज्यादा ब्लर हो रहा है। अगर बात करें ब्लरनेस की और फेस टाइम वीडियो की, तो ये काफी हद तक रिलायबल आप हो सकते हो इस पे, या काफी हद तक यूज कर सकते हो अपने वीडियोस पर एज ए फेस कैम वीडियो के लिए। तो ब्लरनेस जो आता है, मैं यहाँ पर अभी बाहर दिखा रहा हूँ, अभी आपको मैं अपने सेटअप पे लेके दिखाता हूँ कि आप अगर अच्छे लाइटिंग कंडीशन में शूट वगैरह करते हो तो यहाँ पर कितना हद तक टक्कर दे पाता है मेरे DSLR से। तो अभी चलिए मैं आपको अपने सेटअप की वहाँ पे लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको अभी ये वाला लेंस खोल के, लेंस खोलने के बाद कितना ज्यादा ब्लरनेस रहता है वो भी आपको दिखाता हूँ। चलिए लेंस को हटाते हैं, उसके बाद मेरे सेटअप में चलते हैं। तो अभी जैसे कि देख सकते हो, तो हमने खोल लिया है अपना iPhone 11 से ये वाला लेंस 2x लेंस। तो अभी जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट ब्लरनेस आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा। पीछे हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, बट वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। अगर मैं बहुत ही ज्यादा आगे आ जाता हूँ तभी यहाँ पर दिखेगा, बट वो यूजेबल नहीं होगा फुटेज की। आप अपना सिर्फ मुंह दिखा रहे हो या आग दिखा रहे हो, तो आप बहुत हद तक यूज कर सकते हो इस लेंस को। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस लेंस को यूज करके अच्छे लाइटिंग कंडीशन पे या मेरे सेटअप में कैसा दिखता है वो आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देख रहे हो करंट मेरे स्टूडियो पर, यहाँ पर मैं कैमरा यूज करके वीडियो शूट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ मेरा iPhone 11 स्ट्रेट थ्रू, जो नॉर्मल कैमरा आता है उसके साथ मैंने यूज किया है 2x टेलीफोटो लेंस। तो आप ब्लरनेस देख सकते हो। तो आप अगर इस लेंस को यूज करते हो अपने iPhone या किसी भी फ्लैगशिप लेवल के फोन पर उसके कैमरा से अगर इसको यूज करते हो, तो आपका जो बैकड्रॉप होगा, बैकग्राउंड होगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर अच्छा लाइट ना हो, मेरे पास अच्छा लाइट है तो मैं यूज कर रहा हूँ। तो आपके पास अगर सारे कुछ अच्छा लाइट वगैरह है तो सिंपली आईफोन से और एक 2x टेलीफोटो लेंस से आप कुछ इस तरीके का रिजल्ट पा सकते हो। अभी हमने हटा लिया है iPhone 11 से 2x टेलीफोटो लेंस, और अभी आप पर्सपेक्टिव और क्रॉप फैक्टर देख सकते हो कि कितना ज्यादा वाइड हो चुका है। इसी फोन से मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ और मेरा कैमरा भी उसी जगह पर लगा हुआ है। यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ चेंजेस है कि यहाँ पर मैंने टेलीफोटो लेंस हटा दिया है। आई होप आपको ये वाला वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक कर देना। बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसका रीजन एक ही है कि मेरे को कोविड पॉजिटिव हो गया था, कोविड-19 हो गया था, क्या ही बोलूं। मेरा कोविड-19 एक्सपीरियंस बहुत ही अजीबोगरीब था। इसका एग्जैक्ट वीडियो मैं डालने वाला हूँ मेरे सेकंड व्लॉग चैनल पर। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, डेफिनेटली जाके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसमें आने वाला है एक नया व्लॉग। और उसके बाद मेरा कोविड-19 का जो जर्नी रहा है, कैसे हुआ था, क्या क्या चीजें मैंने किया, कैसे प्रिवेंट किया, कैसे फाइट किया कोरोना से, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और सिर्फ कोविड-19 ही एक रीजन नहीं है मेरा वीडियो लेट अपलोड करने का। उसके साथ ही साथ मेरा PC खराब हो चुका था, अभी आपको दिख रहा होगा, खुला है मेरा PC, क्योंकि इसका पावर
सप्लाई SMPS खराब हो चुका था जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, ऊपर से कोविड भी हो चुका था। और ये वाले वीडियो अगर पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि ये लेंस आपको कैसा लगा। उसके साथ ही आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या किया है दोस्तों, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप देख पाए इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट सबसे पहले। मैं मिलूंगा सब लोगों से ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पीस आउट।